वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज. टेक द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे. ए का फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ अ केमिकल चेंज. इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर आएगा सी, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक. सेकेंड है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें से बचाने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए कौन सा तरीका है जो इसमें से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. गैल्वनाइजिंग होता है, एलोइंग होता है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. थर्ड इज़, विच गैस इज रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद विनेगर. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. फोर्थ इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज केमिकल चेंज. व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग. जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, दैट इज गैल्वनाइजेशन. इसके बाद आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर. डिजॉल्व शुगर इन वाटर इज ए. शुगर को पानी में घोलना फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ एक कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्नड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. थर्ड इज, द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेंड इन प्योर फॉर्म बाई क्रिस्टलाइजेशन. CRYSTALLIZATION. फोर्थ इज, टू मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर पेंटिंग एंड एलोइंग. एंड फिफ्थ इज, मोइस्ट एयर फास्टन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. नेक्स्ट है, मैच द कॉलम्स. फर्स्ट फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज का आंसर होगा F, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. सेकेंड है केमिकल चेंज. केमिकल चेंज का आंसर होगा D, बर्निंग ऑफ वैक्स. थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी का आंसर होगा ई, स्टेट ऑफ मैटर. फोर्थ गैल्वनाइजेशन का आंसर होगा सी, जिंक. फिफ्थ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आंसर होगा ए, टिन. एंड क्रिस्टलाइजेशन का आंसर होगा बी, प्योर सॉल्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर इज अ केमिकल चेंज. फॉल्स है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. सेकेंड, रस्ट फॉर्म्ड ऑन आयरन इज ब्लैक ऑन कलर. आयरन पर जो ऊपर जंग लगती है वो ब्लैक कलर की होती है, दैट इज फॉल्स, ब्राउन कलर की होती है. थर्ड इज, डिकेइंग ऑफ वेस्ट फूड आइटम इज नॉट अ केमिकल चेंज. वेस्ट जो फूड आइटम्स हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है. फोर्थ, हीट और लाइट इज प्रोड्यूस्ड और सॉरी डिकेइंग ऑफ वेस्ट फूड आइटम्स केमिकल चेंज नहीं है, तो इसलिए इसको हमने ट्रू लिखा है, बिकॉज उसमें नॉट लगा हुआ है. हीट और लाइट इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब इन सम केमिकल चेंजेस. कुछ केमिकल चेंजेस में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज ट्रू. फिफ्थ, कोटिंग विद पेंट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग. रस्टिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पेंट से कोटिंग करना, दैट इज ट्रू. इसके बाद है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. फर्स्ट इज, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल और केमिकल चेंज का आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, तो आप फिजिकल सॉरी दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं. तो आप फिजिकल चेंज में आप लिख सकते हैं सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं फॉर्मिंग आइस फ्रॉम वाटर, एंड ये दोनों ही फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज में आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स, एंड केमिकल चेंज में आप डिकेइंग ऑफ वेस्ट फूड आइटम्स भी लिख सकते हैं. और आप पीछे जब बुक में चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आप कोई भी दो एग्जांपल लिख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज में. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं. आंसर इज ऑन पेज नंबर 60. सिंस हमें इसका आंसर एक लाइन में लिखना है, इसलिए आप इसमें लिखेंगे शेप साइज कलर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन पीस इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आयरन पीस अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो क्या होगा. पेज नंबर 61. एक लाइन में ही देना है हमें इसका आंसर, तो जितना मार्क किया हुआ है आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे. कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज चेंज्ड टू ग्रीन. अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ब्लू से. फोर्थ इज, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज. कि कर्ड का बनना एक केमिकल चेंज क्यों है, ये आपको लिखना है. तो इसमें आप इतना लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क बैक. क्योंकि केमिकल चेंज ये होता है कि आप पहले वाली जो पहला वाला ऑब्जेक्ट आप उसको वापस नहीं ला सको,
तो एक बार अगर दूध से दही बन गया तो आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते. एंड प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो डिफरेंट, और प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं. मिल्क से चीज़ें अलग बनती हैं, मिल्क का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का टेस्ट अलग होता है. कर्ड से बनने वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट अलग होते हैं. तो आप इसमें सिर्फ इतना ही आंसर लिखेंगे. इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स यूज इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील में कौन से एलिमेंट्स यूज में होते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 63 पर. ये है इसका आंसर, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन. चार चीज़ों को मिलाते हैं तब बनता है स्टेनलेस स्टील. इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, हाउ कैन यू से दैट कटिंग ऑफ ए ट्री इज ए फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्यों है किसी भी पेड़ को काटना, इसलिए है क्योंकि देयर इज़ नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कि वहाँ कोई भी एक नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ना कोई प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. सेकेंड इज़ व्हाई आर आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग से हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, पेज नंबर 63 पर है इसका आंसर. As rusting causes huge damage to iron objects, it is important to prevent iron objects from rusting. इसके बाद next is third question, what is an alloy? Give an example. क्या होता है alloy और आपको उसका example भी देना है. तो alloy new words का नीचे से second वाला जो point है ये alloy का ही है. Process in which some elements are mixed in fixed proportion to achieve their best properties. इस process को alloy बोलते हैं. और इसमें आप example अभी हमने ऊपर लिखा है stainless steel का, stainless steel किस किस से मिलकर बनता है, तो आप उसको example को इसमें लिखेंगे. Fourth is write the chemical reaction that occur during rusting. Rusting में क्या chemical process होता है, reaction आपको लिखनी है. Page number 63 पर है इसकी reaction. ये रही रिएक्शन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू रस्ट. और रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड. तो आपको सिर्फ ये एक रिएक्शन ही लिखनी है. इसके बाद फिफ्थ इज क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज. नेम दे रखे हैं कौन सा चेंज है ये आपको लिखना है. फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है. Dissolving sugar in water physical change है. Burning of coal chemical change है. Melting of wax physical change है. And digestion of food chemical change है. और आप ये वाला जो E का first था give two example, तो आप इनके example इसमें से भी लिख सकते हैं. इसके बाद आते हैं long answer type questions पर. First is explain chemical changes with the help of example, page number 62. And what is rusting of iron, how can it be prevented, page number 62 पर है. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली केमिकल चेंज पूछा है, लेकिन आप केमिकल चेंज नहीं करेंगे. आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज कर लेना. ऊपर ये जो टॉपिक लिख रहा है आप ये लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और आप ये पूरा टेबल बनाएंगे फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी. और इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन का टॉपिक जस्ट इसी के नीचे है और थोड़ा सा उधर भी है, और आप उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके ये तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एलोइंग तक. तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है. रस्टिंग ऑफ आयरन आप क्या समझते हैं, दो एक लाइन आप इसमें से लिखेंगे. फिर इसके बाद आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे. मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग में चार पॉइंट हैं, आप एनी टू पॉइंट इसमें करेंगे. तो आप ये वर्क आपको खुद को करना है. मैंने पेज नंबर बता चुकी हूँ मैं किस पेज पर है इसका आंसर. इसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट एंड एलोइंग. एलोइंग पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, पेज नंबर 63 पर है. व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, हाउ इज इट यूजफुल, ये भी पेज नंबर 63 पर है. तो 63 पर दोनों ही हैं. एलोइंग का तो ये रहा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एलोइंग का है ये आप उसमें लिखेंगे. एंड क्रिस्टलाइजेशन का ये पॉइंट है, आप इसमें से एनी 5 or 6 लाइन क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप उस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में लिखेंगे. एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ कैन यू टेस्ट इफ द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो आप उसे कैसे टेस्ट करेंगे, बाय टेकिंग बर्निंग कैंडल नियर बाई. हम ऐसे टेस्ट करेंगे कि आप एक जलती हुई कैंडल को आप उसके पास ले जाएंगे, अगर वो बुझ जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वरना वो नहीं है. तो यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. और ऊपर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैंने पेज नंबर आपको बता दिया है किस पेज पर है, तो आपको उसमें से पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग ही उसका आंसर आप करेंगे.